और उस छाल को आज धनुष और भगवान कृष्ण के चरणों में मार दिया। जैसे ही वह बहेलिया भगवान के पास आया तो रोने लग गया, बोला प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। प्रभु मुस्कुरा करके बोले इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि तुम्हारा कर्ज मुझ पर बाकी था। कुछ संत बताते हैं कि यह बहेलिया और कोई नहीं पूर्व जन्म में बाली था, जब भगवान राम ने उसको छिपकर के बाण से मारा था आज उसी का बदला भगवान कृष्ण से उसने ले लिया। भगवान कहते हैं मैं किसी का कर्ज रखता नहीं हूं, इसलिए मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया। आज उद्धव को पता चला कि भगवान जाने वाले हैं तो उद्धव आए और आकर के रोने लगे, मैं भी प्रभु आपके साथ चलूंगा। भगवान बोले उद्धव कोई किसी के साथ नहीं जाता और ना ही मैं कहीं जाता हूं, मेरा आना जाना कहीं नहीं होता, मैं हर जगह विद्यमान हूं लेकिन पहचानने वाला होना चाहिए। उद्धव बोले प्रभु आगे कलयुग आने वाला है, देखिए ये भागवत का अंतिम प्रसंग चल रहा है और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, भागवत का सार इसी प्रसंग में है पूरा, इसको ध्यान से श्रवण करना। उद्धव कहते हैं प्रभु आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग में यदि जीव आपसे मिलना चाहे तो ऐसा कोई साधन बताओ, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे जीव तुम्हें जल्दी प्राप्त कर ले। भगवान बोले उद्धव कलयुग में जीव यदि मुझसे मिलना चाहे तो उसके लिए एक चीज को दूसरी चीज के लिए त्यागना पड़ेगा। बोले कैसे? बोले संसार से वैराग्य और मुझसे अनुराग, क्योंकि तुलसी कबहु न रह सके रवि रजनी एक ठाम, अंधेरा और प्रकाश कभी एक जगह नहीं रहता, अंधेरा आएगा तो प्रकाश चला जाएगा और प्रकाश आएगा तो अंधेरा चला जाएगा। संसार से प्रेम करोगे तो मुझसे प्रेम नहीं होगा और मुझसे प्रेम करोगे तो संसार से प्रेम नहीं होगा, या तो संसार से कर लो या मुझसे कर लो, और मुझे यदि पाना है तो संसार को त्यागना पड़ेगा, वैराग्य लेना पड़ेगा। उद्धव बोले ये वैराग्य क्या होता है प्रभु? बोले वैराग्य तीन प्रकार का होता है उद्धव, पहला होता है मरकट वैराग्य। मरकट बोलते हैं बंदर को, आपने देखा होगा बंदर का यह स्वभाव होता है कि वह एक डाली पर ज्यादा देर नहीं ठहरता, कभी इस डाली पर कूदेगा कभी उस डाली पर कूदेगा कभी फिर उस पर कूदेगा, ज्यादा देर एक डाली पर ठहर नहीं सकता, यही होता है मरकट वैराग्य। अभी अभी हमारे मन में वैराग्य उठा कथा सुनकर कि आज के बाद हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद हम कभी निंदा नहीं करेंगे, यहां तो उठ गया, जब तक कथा सुनते हैं तब तक, उसके उपरांत फिर वही 84 का चक्कर, यही मरकट वैराग्य होता है, 5 मिनट में उठता है और 5 मिनट में खत्म भी हो जाता है, बोलो जय श्री कृष्ण। दूसरा होता है शमशान वैराग्य, जब किसी व्यक्ति का शरीर पूरा होता है उसको शमशान में ले जाते हैं, सभी बोलते हुए उसके पीछे चलते हैं, राम नाम सत्य है सत्य बोलो, लेकिन आजकल तो केवल जो 4 लोग उठाते हैं ना उसको वही बोलते हैं, पीछे तो सत्संग चलता है। कोई कहता है क्या किया था इसने, अपने जीवन में कुछ नहीं किया, कितना धन इकट्ठा किया, कितने मकान बनवाए, कितनी गाड़ी खरीदी, क्या रह गया, क्या लेके गया साथ, कुछ नहीं, इसने ऐसा वहां किया, इसने ऐसा वहां किया, यही सत्संग चलता है, कोई नहीं बोलता। और जैसे ही शमशान भूमि में ले जाते हैं उसको अग्नि देते हैं, अग्नि देते समय तो पूरी गीता हृदय में उतर आती है, पूरी गीता। ऐसे ही हमको भी चले जाना है एक दिन, क्या जोड़ के करेंगे धन को,
कोई किसी का नहीं है, बच्चे साथ तो नहीं गए, पत्नी साथ तो नहीं गई, माता पिता साथ तो नहीं गए, आज के बाद ये नहीं करेंगे, आज के बाद वो नहीं करेंगे, केवल तब तक रहता है जब तक हम शमशान में रहते हैं। लेकिन जैसे ही वहां से आए, स्नान किया, स्नान करने के बाद फिर वही 84 का चक्कर, सब कुछ वहीं रह गया। और तीसरा होता है सच्चा वैराग्य। सच्चा वैराग्य, सच्चा वैराग्य होता है मन से, कि सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, जिसका मन में लाभ आया वो तो डूब गया मझधार। सच्चा त्याग होता है मन से, भगवा वस्त्र पहनने से, चंदन टीका लगाने से, गले में मालाओं को पहनने से बैरागी नहीं होते। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, संसार को उतारना है तो मन से उतारो। मन में अटल विश्वास पैदा करो भगवान के प्रति। उद्धव बोले, प्रभु वो तो ठीक है, लेकिन वैरागी के लक्षण भी तो होते हैं। वैरागी किसे कहते हैं? वैराग्य जिसके जीवन में आता है उसकी पहचान क्या है वैराग्य की? बोले, मैं वैरागी के लक्षण तुम्हें बताता हूं। सच्चा वैरागी कौन होता है? बोलो, जय श्री कृष्ण। एक संत थे, उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। ध्यान देना, दत्तात्रेय जिनका नाम था, जो भगवान शंकर के अवतार हैं, उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। सच्चे वैरागी थे, 24 गुरु शिक्षा गुरु। तीन प्रकार के गुरु होते हैं। पहले होते हैं शिक्षा गुरु, दूसरे होते हैं दीक्षा गुरु, और तीसरे होते हैं कुल गुरु। तीन प्रकार के गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु तो हम, जिससे हमें शिक्षा मिले वही हमारा गुरु। दीक्षा गुरु और कुल गुरु केवल एक होते हैं। कुल गुरु भी एक होते हैं और दीक्षा देने वाले गुरु भी एक ही बनाए जाते हैं। शिक्षा गुरु हम कितने भी बना सकते हैं। बोलो, जय श्री कृष्ण। तो उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, शिक्षा गुरु। दत्तात्रेय कहते हैं कि मैंने सबसे पहला गुरु इस पृथ्वी को बनाया। बोले, पृथ्वी से क्या शिक्षा मिली? बोले, पृथ्वी से हमें शिक्षा मिलती है कि जितनी सहनशील ये पृथ्वी होती है उतना और कोई नहीं होता। इस पर अनेकों पाप होते हैं, अत्याचार होते हैं, बेचारी सब सहन करती है। उसी प्रकार से एक संत को सहनशील होना चाहिए, एक वैरागी को सहनशील होना चाहिए। उससे अगला गुरु, मैंने सूर्य को बनाया। बोले, सूर्य से क्या शिक्षा प्राप्त होती है? बोले, सूर्य से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि सूर्य जब अपना प्रकाश देता है तो वह यह नहीं देखता कि यह मंदिर है इस पर मैं ज्यादा प्रकाश दूं और यह गंदी नाली है इस पर मैं कम प्रकाश दूं, वह बराबर प्रकाश देता है। उसी प्रकार एक संत को चाहिए कि सबको समान उपदेश दे। बोलो, जय श्री कृष्ण। तीसरा गुरु, मैंने जल को बनाया। बोले, जल से क्या शिक्षा मिलती है? जल से हमें शिक्षा मिलती है कि जितना शीतल जल होता है उतना और कोई नहीं होता। कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और निको शीतल करहे आप शीतल। जल को कितना भी गर्म करो लेकिन कुछ देर बाद ठंडा ही हो जाता है। उसी प्रकार एक संत को शीतल होना चाहिए, ठंडा, क्रोध नहीं करना चाहिए।
अगला गुरु, मैंने अग्नि को बनाया। बोले अग्नि से क्या शिक्षा मिली? बोले अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो उसके चारों तरफ पतंगे घूमते हैं, पतंगे घूमते हैं, लेकिन वह घूमते घूमते उसी अग्नि में आकर के भस्म भी हो जाते हैं। उसी प्रकार एक संत को चाहिए कि संसार उसके पीछे घूमता है घूमता है, लेकिन उससे बचना चाहिए जितना हो सके। संसार के कदमों पर मत चलो, अपने कदमों पर संसार को चलाओ। उससे अगला गुरु एक हिरण को बनाया, हिरण को। बोले हिरण से क्या शिक्षा मिलती है? बोले हिरण से एक नहीं, दो दो शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा मिलती है कि हिरण की नाभि में कस्तूरी होता है, और जब वह कस्तूरी फूटती है तो बहुत सुंदर महक निकलती है, सुगंध। अब जब हिरण की नाभि में वह कस्तूरी फूटती है तो बहुत सुंदर सुगंध निकलती है, हिरण उस सुगंध के पीछे पीछे दौड़ता है उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वह दौड़ते 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 समाप्त हो जाता है, लेकिन वह सुगंध को प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसे यह नहीं पता कि यह जो सुगंध आ रही है यह अंदर से आ रही है। उसी प्रकार हमको भी भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, भगवान हमारे अंदर है। कृष्ण है तेरे तन में, कृष्ण है तेरे मन में, क्यों ढूंढता उसे बन बन में। हिरण से दूसरी शिक्षा हमें मिलती है कि हिरण को संगीत सुनने का बहुत शौक होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। संगीत सुनने का बड़ा ही शौक होता है हिरण को। संगीत बजाने वाला सुनाने वाला आता है, अपनी वीणा बजाता है और उसको आराम से पकड़ लेता है। वह इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है संगीत में कि अपने नेत्रों को बंद कर लेता है और संगीत सुनाने वाला उसको पकड़ करके ले जाता है। यानी संत को चाहिए संगीत सुने, व्यक्ति को चाहिए संगीत सुने, लेकिन भगवान से संबंधित संगीत सुने, संसार से संबंधित नहीं। इससे अगली शिक्षा एक भंवरे से मिलती है, भंवरे से। अगला गुरु भगवान दत्तात्रेय ने भंवरे को बनाया। बोले उससे क्या शिक्षा मिलती है? बोले उससे शिक्षा मिलती है कि जो भंवरा होता है वह फूल पर जाकर के बैठता है, फूल पर जाकर के बैठता है, फूल में से रस को लेता है, और उस रस में को लेने में वह सोचता है कि जितना भी इसके अंदर है उसे खींच डालो, फूल पर जब बैठता है। लेकिन फूल का यह स्वभाव होता है कि जैसे जैसे सूरज ढलता जाएगा वैसे वैसे फूल बंद होता जाएगा। अब वह भंवरा बैठता है, फूल बंद हो जाता है, वह सोचता है कि रात भर जितना इसमें से निकाला जाए निकाल लूं। रात भर उसी में बैठा रहता है, सुबह कोई जानवर आता है और उस फूल को अपने मुखारविंद में डाल लेता है, भंवरा भी उसके पेट में चला गया। इससे अर्थ यह निकलता है कि जीव को किसी भी चीज में इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इतनी ममता नहीं होनी चाहिए। उससे अगला गुरु एक मधुमक्खी को बनाया। बोले मधुमक्खी से क्या शिक्षा मिलती है? बोले मधुमक्खी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कितनी मेहनत करती है, छत्ता बनाती है, रस बनाती है, हैं? लेकिन तोड़ने वाला आता है और उसको 5 मिनट में तोड़ करके ले जाता है। उसी प्रकार जीव को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, संत को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए, यह मधुमक्खी से हमें शिक्षा मिलती है।
यदि संग्रह करते रहे एक दिन ऐसा आता है, क्योंकि भागवत में तो महर्षि वेदव्यास जी ने भी लिखा है कि जीव जो धन हमारे पास होता है, जो संपत्ति हमारे पास होती है, जीव का केवल उस धन पर अधिकार है जिस धन से हम या तो भगवान के लिए खर्च करते हैं या अपने लिए खर्च करते हैं। और जो हम बिल्डिंग बनाते हैं या संपत्ति का संग्रह करते हैं उस धन पर हमारा अधिकार नहीं होता, उस पर तो परिवार वाले मौज उड़ाते हैं। हमारा केवल उसी धन पर अधिकार होता है जो हम परमात्मा के लिए खर्च करते हैं। अगला गुरु, मैंने एक वैश्या को बनाया, दत्तात्रेय कहते। बोले वैश्या को? वैश्या भी कोई गुरु बनाने की चीज है? बोले हाँ, जिससे शिक्षा मिले वही हमारा गुरु। बोले वैश्या से क्या शिक्षा मिलती है? बोले वैश्या से, एक वैश्या थी प्रिंगला नाम की, राजा जनक की नगरी में। वह वैश्या इतनी सुंदर थी कि वह बहुत पैसा कमाती। एक दिन क्या हुआ, उसने सुबह अपना बहुत सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करके कोठे पर बैठ गई। सुबह से शाम हो गई, कोई भी ग्राहक नहीं आया। दूसरे दिन फिर श्रृंगार किया, फिर सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं आया। तीसरे दिन फिर किया, फिर सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं आया। पांच दिन हो गए उसको श्रृंगार करती बैठ जाती, लेकिन पांच दिन तक कोई भी नहीं आया। दत्तात्रेय कहते हैं कि छठवें दिन अचानक उसके मन में वैराग्य आ गया। मन में सोचने लगी, जितना चिंता मैं अपने शरीर के लिए, अपने धन के लिए करती हूं, उतना ही चिंतन यदि मैं परमात्मा का करती तो आज गोपाल मेरी गोदी में खेल रहे होते। अचानक उसके मन में वैराग्य आ गया कि कृष्ण 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 कहले मन मेरे, जन्म कोटि पाप जाए क्षण में कट तेरे, कि जगत बाबरे के संग बाबरो न हुए रे, गोविंद चरणार विंद ढड़ करके गहले, कि बार बार कहत हूं तू सुनत ना है बहरे, कहत गोविंद सदा आनंद में रह रे। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जितनी चिंता हम संसार के लिए करते हैं उतना ही चिंतन यदि हम परमात्मा के लिए करें तो न तो कोई दुख, न कोई संकट, न कोई परिस्थिति आएगी, हमेशा आनंद में रहोगे। और बोले अगला गुरु, मैंने एक मछली को बनाया, मछली से शिक्षा मिलती है कि उसकी ममता उस रोटी के टुकड़े में होती है जो मछुआरा उस कांटे में फंसा देता है। मछली को यह पता है कि मैं यदि इस टुकड़े को खाने जाऊंगी तो मैं फंस जाऊंगी, लेकिन पता होने के बाद भी वह उस टुकड़े को खाने के लिए आती है। हमको यह पता है कि हम इस माया में फंस रहे हैं, लेकिन फिर भी फंसते जाते हैं। प्रेम करो, ममता मत करो। ममता करनी है तो केवल परमात्मा से करो। उससे अगला गुरु, मैंने एक कबूतर को बनाया। बोले कबूतर से क्या शिक्षा मिलती है? बोले कबूतर से हमें शिक्षा मिलती है कि कबूतर की जो ममता होती है वो अपने परिवार में ज्यादा होती है। अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए बाहर गया, पीछे से किसी ने जाल बिछा दिया दाने डाल करके, उसके बच्चे आए उन दानों को खाने के लिए जाल में फंस गए। जैसे ही कबूतर आया उसने देखा कि मेरा परिवार इस जाल के अंदर है, उसे खूब पता है कि यदि मैं जाल में जाऊंगा तो मैं भी फंस जाऊंगा, लेकिन उन बच्चों में इतनी ममता होती है कि वह जाल में उनको बचाने के लिए घुसता है लेकिन वह भी फंस जाता है। हमको यह खूब पता है कि हम जो कर रहे हैं ये माया में फंस रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ममता के फलस्वरूप फंसते हैं। उससे अगला गुरु, मैंने एक बालक को बनाया। बोले बालक से क्या शिक्षा मिली? बोले बालक से हमें शिक्षा मिलती है कि बालक जितना भोला होता है उतना भोला और कोई नहीं होता। अभी थप्पड़ मार दो तो रोने लगेगा, अभी मिठाई दे दो तो